नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे हटा सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे WhatsApp के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है और इसे हम कैसे हटा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डालते हैं तो ये रॉन्ग बताता है, तो इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और WhatsApp को फिर से कैसे खोल सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, इसे हटाने के लिए दो तरीका है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा दोनों तरीका बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो तरीका है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका के लिए या तो आप WhatsApp के अंदर जा कर के ही इसे फिंगरप्रिंट को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फिंगरप्रिंट को वेरीफाई कर लेते हैं और अंदर जा कर के मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आप कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले WhatsApp को ओपन कर लेना है, देन यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद प्राइवेसी पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिंगरप्रिंट लॉक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसे डिसेबल कर देना होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसे डिसेबल कर देंगे और ये यहाँ से हमारा काम हो चुका है। अब हम वो WhatsApp को ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो हट चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका। लेकिन अगर ये तरीका से आप अपना WhatsApp को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, वो तरीका बहुत ही कमाल का है। तो चलिए सबसे पहले हम लॉक लगा लेते हैं WhatsApp के अंदर। तो इसे हम फिर से लॉक लगा लिए हैं अपने WhatsApp के अंदर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे WhatsApp के अंदर फिर से लॉक लग चुका है। देख सकते हैं, अब हम इसे कैसे हटा सकते हैं। अब हमारा फिंगरप्रिंट भी इसमें काम नहीं कर रहा है तो हम इसे कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए आप सभी को फ़ोन के सेटिंग में जाना है। फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो पासवर्ड होगा उसे ड्रॉ करेंगे या फिर पासवर्ड जो होगा उसे टाइप करेंगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अब आपके फ़ोन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिंगरप्रिंट 1 2 3 करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से नीचे आपका जो फिंगरप्रिंट है उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिमूव पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो लॉक हो चुका है, क्योंकि WhatsApp के अंदर भी जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो फ़ोन का ही फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से ये फिंगरप्रिंट को ही हटा दिए हैं। अब हटाने के बाद यहाँ से जब भी हम WhatsApp को ओपन करेंगे तो हमसे वो फिंगरप्रिंट लॉक नहीं पूछेगा और ये डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का जो तरीका है मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि वहाँ से आपको सेटिंग में जा कर के फिंगरप्रिंट को हटा देना है, उसके बाद WhatsApp को डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।